नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु राशि वालों। दोस्तों अगले 36 घंटों में आपके साथ कुछ गलत होने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 36 घंटों का समय ग्रहों की जो स्थिति होगी, ग्रहों में जो चाल होगी बहुत ही शुभ रहने वाली है। जी दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि यश में ग्रह अगर शुभ है तो हमारे लिए कुछ गलत क्या होंगे, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यश में ग्रह आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें, यश में आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी, चाहे वो आपको कार्य क्षेत्र में मिले, घर के माहौल में मिले, या फिर आपने किसी क्षेत्र में पैसे निवेश किए हैं, पैसे खर्च किए हैं उस क्षेत्र में मिले। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, उस क्षेत्र में आपके जो दुश्मन होंगे, आपके विरोधी जो होंगे, प्रबल स्थिति में रहने वाले हैं। एक प्रकार यूँ कहें तो यश में अशुभ परिस्थिति भी आपके जीवन में होने वाली है, जो कि इनमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो समय आपके लिए पूर्णतः बहुत ही लाभकारी समय रहने वाले हैं, बशर्ते आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, वरना आपके साथ कुछ गलत जरूर होंगे। तो दोस्तों ऐसे में समय रहते आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किन चीज़ों को आपको लेकर सावधान रहना चाहिए। या दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आपका दायित्व होता है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, अगले 36 घंटों में आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, यश में घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में ये ग्रह क्या बदलाव करेंगे, क्या क्या सुधार करेंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग में आपका उत्तम समय व्यतीत होगा, और दोस्तों इससे आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी। दोस्तों समाज में भी आपका रुतबा यश में बना रहेगा। अचानक किसी अपरिचित व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेंगी। इसको प्राप्त दोस्तों यश में सावधानी की अगर बात करें तो संतान को अपने करियर संबंधी किसी कार्य में रुकावट आने से तनाव रहेगा। यश में उनका आत्मबल बनाए रखने के लिए आपका सहयोग आवश्यक होगा। इसको प्राप्त दोस्तों घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है, जिसकी वजह से आपके कई काम में रुकावट आ सकती है। इसको प्राप्त दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों जिन बातों में आपको प्रगति नजर नहीं आ रही थी, दोस्तों उन बातों में यश में प्रगति होंगी, लेकिन दोस्तों आपकी अपेक्षा अनुसार ना होने की वजह से चिंता और तनाव का असर भी आप पर बना रहेगा। दोस्तों यश में आपका पूरा ध्यान आपके काम तथा आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की या फिर अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपके लिए हितकारी रहेगी। दोस्तों व्यस्तता के बावजूद भी आप अपने परिवार और फिर दोस्तों के लिए समय निकाल पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में बिना मतलब के दूसरों के जो है परेशानियों में ना उलझे, इससे दोस्तों आपका ही नुकसान हो सकता है। कोई अप्रिय घटना सुनने से आस्वाद और भय जैसी स्थिति भी आपके मानसिक तनाव पर हावी हो सकती है। साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत के मुताबिक जो है परिणाम न मिलने से थोड़ी सी मायूसी भी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, कम वक्त में अधिक से अधिक काम निपटाना आपके लिए आसान होगा। साथ ही दोस्तों व्यापारी वर्ग को अपने काम को और जो है बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता होगी। आपके काम द्वारा नाम और सम्मान पाना आपके लिए यश में अधिक मायने रखेगा। दोस्तों परिवार संबंधी जिम्मेदारियों को यश में नज़रअंदाज ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यशमय आपकी मुख्य कोशिश सभी कार्यों को जो है योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में भी सहायक रहेंगी, और दोस्तों आप इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहेंगे। दोस्तों कुछ दिनों से चली आ रही भाग दौड़ी की वजह से यश में आराम और सुकून पाने की मूड में आप रहेंगे। दोस्तों कोई लाभदायक यात्रा भी होने की संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय कुछ नई दिखी या फिर विरोधी व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ गलत अफवाह भी फैला सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसका आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु फिर भी आपको सावधान रहना आवश्यक होंगे। राजनीतिक लोगों तथा गतिविधियों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों यह समय किसी प्रकार की महानहानि होने की आशंका भी बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। निजी व्यक्तियों के साथ हो रहे विवादों को मिटाने की कोशिश करें। दोस्तों आपके अहंकार की वजह से छोटी बातों को भी यश में अधिक खींच रहे हैं, जिनके कारण मानसिक क्लेश का सामना केवल आपको ही करना पड़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे।
दोस्तों यशोमय धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका यशोमय व्यतीत होगा। दोस्तों यशोमय बहुत अच्छे और अनुभवी जिम्मेदार लोगों के मार्गदर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यशोमय आर्थिक लाभ की भी अच्छी संभावनाएं बन रही है। साथ ही दोस्तों यशोमय पारिवारिक व फिर सामाजिक कार्यों में ध्यान न देने की वजह से दूसरों की नाराजगी का आपको सामना भी करना पड़ेगा। दोस्तों जुआ सट्टा जैसे गलत कार्यों में रुचि ना लें, किसी के साथ भी व्यवहार करते समय ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों आप किसी का साजिश का यशोमय शिकार भी हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यशोमय फिर से परिस्थिति को अपने पक्ष में कर पाना आपके लिए मुमकिन हो सकता है। दोस्तों आपके आसपास के व्यक्तियों के बारे में आपको अधिक सतर्कता रखनी जरूरी होगी। दोस्तों जिन बातों पर आप जरूरत से अधिक विश्वास रखते हैं उन बातों के द्वारा आपको धोखा भी मिलने की आशंका बन रही है, तो दोस्तों इनसे आप सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों बॉस के द्वारा आपको योग्य मार्गदर्शन और मदद भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय काम काज में इच्छित सफलता तो प्राप्त नहीं होगी, परंतु दोस्तों फिर भी पारिवारिक लोगों की देखरेख में काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। किसी कर्मचारी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और संबंधों में फिर से सुधार आएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना कर सकते हैं, जिनसे दोस्तों आपको इनमें उच्च अधिकारियों का भी मदद मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार के व्यवसाय में यशोमय हिसाब किताब में पारदर्शिता रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। साथ ही दोस्तों यशोमय किसी प्रकार का निवेश करने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, बेहतर होगा कि अभी वर्तमान के कार्यों पर ही अपना ध्यान लगाएं। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यशोमय मशीनरी व फिर लोहे से जुड़े व्यवसाय में कुछ नुकसान की स्थिति भी बन रही है, इसलिए दोस्तों यशोमय कर्मचारियों की गतिविधियों और फिर क्रियाकलापों पर पैनी नजर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। दोस्तों अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज बहुत अधिक संभाल कर रखें, ऑफिस में भी किसी तरह की राजनीति का माहौल रहेगा, इसलिए दोस्तों यशोमय सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों नए जनसंपर्क आपके लिए जो है फायदेमंद साबित होंगे, परंतु दोस्तों कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें और दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से गतिविधियों को नियंत्रण रखें। और दोस्तों कर्मचारियों का भी पूर्ण सहयोग इसमें आपके ऊपर बना रहेगा, परंतु आय के स्रोत भी यशोमय मंद में रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय अपनी व्यवस्था के बीच जीवन साथी तथा परिवार के लिए समय निकालना आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकियाँ लाएगा। प्रेम संबंधों को भी विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति भी मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए समय होंगे। दोस्तों पति पत्नी के संबंध यशोमय बेहतर रहेंगे, परंतु ध्यान रखिए कि मित्र के साथ बहुत अधिक समय व्यतीत करना आपके परिवार की सुख शांति में व्यवधान डाल सकता है, इसलिए दोस्तों समय पर अपना घर जाना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों विवाहित जीवन सुखमय रहेगा, प्रेम संबंधों में गलतफहमी की वजह से दरार भी आ सकती है। दोस्तों यशोमय एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करें, ये आपके लिए अति आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए समय होंगे। दोस्तों यशोमय जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद और सुकूनदायक रहेगी, परंतु दोस्तों विवाहेतर संबंधों से यशोमय दूर रहें, अन्यथा इसका नकारात्मक असर आपके परिवार की सुख शांति पर पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करेंगे तथा मानसिक थकान भी रहेगी। दोस्तों प्राकृतिक चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग करें तथा कुछ समय प्रकृति के निकट भी व्यतीत करना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों मौसमी बदलाव और फिर एलर्जी संबंधित रोग जैसे कि खांसी जुकाम आदि भी आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों आयुर्वेदिक इलाज लेना आपके लिए उचित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके सेहत के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यशोमय स्वास्थ्य संबंधी हल्की फुल्की परेशानियाँ रहेंगी, तनाव जैसी स्थितियों से अब आप जो है अपने आप को दूर रखें, क्योंकि दोस्तों इनका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, स्वास्थ्य शाम तक उत्तम होगा। सिर्फ आपको अपने अंदर नकारात्मक विचारों को ना उत्पन्न होने देना है, मेडिटेशन में कुछ समय व्यतीत करना आपको यशोमय राहत देगी।